जयराम बोले, पर्यटकों नहीं शादियों से फैल रहा कोरोना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सैलानियों के चलते नहीं बल्कि शादी समारोहों में जुट रही भीड़ के कारण कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों में भी संक्रमण के मामले बढ़े हैं जहां सैलानी जाते ही नहीं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जो शादियों का दौर चला उससे कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई। सराज की एक पंचायत में 49 मामले सामने आए। इसका कारण शादी में भारी भीड़ का उमड़ना था। जिला चंबा में भी इसी कारण मामले बढ़े हैं। उन्होंने बंदिश बढ़ाने के भी संकेत दिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 93% लोगों को पहले वैक्सीन लग चुकी है। कोरोना के मामले बढ़ने से प्रदेश सरकार 24 अगस्त को होने वाली कैबिनेट की बैठक में जनसभाओं पर रोक लगाने का फैसला ले सकती है। हिमाचल में खुले रोजगार के द्वार, कैंपस इंटरव्यू में होगी सैकड़ों पदों पर भर्ती। हिमाचल में बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर है। युवाओं के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज ने रोजगार के द्वार खोल दिए हैं। ये कंपनीज कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाएगी। हिमाचल के कांगड़ा जिले में और मंडी के जोगिंद्र नगर में इन कैंपस साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा जिसमें सैकड़ों युवाओं को नौकरी मिलेगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में 25 अगस्त को दिल्ली की ARGL लिमिटेड कंपनी कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से अप्रेंटिस का मौका देगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर की ट्रेनिंग व प्लेसमेंट ऑफिसर नीलम रानी ने ये जानकारी दी। ग्राहकों को अपनी ही बेटियां परोस रहे थे कलयुगी माता पिता, हिमाचल में देह व्यापार। हिमाचल में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला वाकया सामने आया। यहां माता पिता अपनी ही सगी बेटी से जबरन देह व्यापार करवा रहे थे। यही नहीं, इस कृत्य में पीड़िता का भाई भी शामिल था। पैसों के लालच में माता पिता द्वारा बेटी से देह व्यापार करवाया जा रहा था। पीड़िता के द्वारा इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। मामला सोलन जिले के नालागढ़ उपमंडल से सामने आया। बताया जा रहा है कि मामले का खुलासा उस समय हुआ जब पीड़िता की तबियत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद आनन फानन में पीड़िता के माता पिता और भाई उसे बुआ के पास यमुनानगर छोड़कर फरार हो गए। बुआ के माध्यम से मामला पुलिस के पास पहुंचा।